भाइयों और बहनों, देश के किसान को हमारी बात पर आज अगर विश्वास हो रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मानता है कि ईमानदारी से काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, जबकि कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों पर अविश्वास इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ धोखा देना जानते हैं। यहां विधानसभा का चुनाव अभी 150 दिन पहले ही हुआ है। उस चुनाव में ये कांग्रेस वालों ने घूम घूम कर आपको गले गले लगा करके आपको गिनती सिखाई थी, गिनती सिखाई थी ना, 1, 2, 3 कहा था ना, 1 से 10। और सिर्फ 10 दिन के भीतर ही किसान का कर्ज माफ कर देंगे, ये कहा था नहीं कहा था? कहा था भाई, आपने सुना था? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ, कहा था? आपने सुना था? उनका वादा था कि नहीं था? 10 दिन हो गए कि नहीं हो गए? 30 दिन हो गए कि नहीं हो गए? 50 दिन हो गए कि नहीं हो गए? 100 दिन हो गए कि नहीं हो गए? 150 दिन होने वाले हैं कि नहीं होने वाले? मुझे बताइए, कर्ज माफ हुआ क्या? कर्ज माफ हुआ क्या? ये झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये धोखा करते हैं कि नहीं करते हैं? यहां का किसान परेशान है क्योंकि बैंक नया कर्ज नहीं दे रहा और घर पर पुलिस भेज रहा है। अब एमपी का किसान पूछ रहा है कि हमारी कर्ज माफी का क्या हुआ? जिन्होंने कर्ज माफी नहीं की ना, उनको कहो माफ करो, जाओ, अब तुम्हारा काम नहीं, उनको भगाओ। साथियों, बिजली के वादे के साथ तो इन्होंने ऐसा खेल कर दिया कि अच्छे अच्छे चक्कर आ जाए। इनका दिमाग बड़ा गजब का है जी, बड़ा शैतानी दिमाग है। उन्होंने वादा किया था कि बिजली का बिल हाफ करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बिजली का बिल हाफ करने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? लेकिन ये शैतानी दिमाग देखिए, शैतानी दिमाग कैसे शैतानी काम करवाता है। उन्होंने क्या किया? बिल हाफ नहीं किया, बिजली हाफ कर दी। वादा किया था कर्ज माफी न होने पर मुख्यमंत्री को बदलने का, लेकिन एमपी में मुख्यमंत्री तो नहीं बदला, आज एमपी में 2.5 मुख्यमंत्री बिठा दिए हैं। और इसलिए अफसरों को भी मजा है, वो उसको पूछने जाता है, वो उसको पूछने जाता है, वो पहले वाले के पास भेजता है, सब चक्कर काट रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। 2.5 मुख्यमंत्री बैठे हैं भाई, 1.5 होते हैं तो कितनी परेशानी होती है, ये 2.5 होने पर तो क्या क्या होता है भैया।